वेल डन यार, वेल डन, जबरदस्त। आज एक बार फिर हेड ने, ट्रेविस हेड ने क्या स्टार्टिंग दी है भाई। सनराइज हैदराबाद वालों को सिर्फ 32 बोलों पे भाई 89 रन्स बनाए हैं। आप सोच रहे हैं कि 32 बोलों पे 89 रन्स कैसे आए? भाई साहब, उन्होंने 6 छक्के और 11 छक्के मारे हैं, और साथ में अभिषेक शर्मा एक बार फिर चमके हैं, 12 बोलों पे 46 रन आए हैं और उसके भाई 6 छक्के 2 चौके आए हैं। भाई जबरदस्त यार, याद दिया पकड़ के हैदराबाद ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने पकड़ के दिल्ली कैपिटल्स को घुसा दिया, घंटा बजा दिया उनका पकड़ के। पावर प्ले में 125 रन उन्होंने मारा, पावर प्ले में 125 रन मारे और 2 शेर आए थे, एक का नाम है ट्रेविस हेड। चलो ठीक है, वो गोरा साइड पे करो, लेकिन भाईजान जो इंपैक्ट अभिषेक शर्मा डाल के गया है, बेटा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं, चलो ट्रेविस टुल्ले का बोल देता हूँ, उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हासिल है, वो बड़े मैच में रन किए हैं उसने, लेकिन भाई अभिषेक शर्मा की तरफ भी कोई फोकस कर लो। अभिषेक शर्मा भी इंडिया का लोकल लड़का है, कोई अभी आईपीएल देख रही है आपको, मैं दिल की मरीज नहीं लग रही, मेरा सांस ऊपर नीचे हो रहा है। आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है बड़ा हाई कर दिया है, और जिस तरह से कहले पहले 277 फिर 287 अब 266, भाई आते हैं अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, तोड़ देते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने भाई कसम ही खा ली है कि हमने छोटा स्कोर देना ही नहीं है। मत्था टेको जाके कुलदीप यादव को कि यार तुम लोगों को उन्होंने उसने बचा दिया, 4 आउट कर दिए, यानी इसके पाउंड हो दोगे पीएम भैया, आज आप हमें 300 रन से बचा लिए, वरना हमारी नाक शेम शेम हमारी हो जानी। ये कहते हैं कि भाई बस आज 250 करना है, 250 नॉर्मल है, थोड़ा ऊपर चलते, थोड़ा और ऊपर चलते, यार रिकॉर्ड बनाए, बड़ा टाइम हो गया, आज रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। नजर आ रही थी ट्रेविस हेड की और अभिषेक शर्मा की, यहाँ ओपनिंग गोल से चल पड़ती, यहाँ पे क्लासन या मार्कर में खड़ा था, मैं कहता हूँ 300+। एक लड़का जो 23 साल का है उसने 11 बॉल्स खेली 12वीं पे आउट हो गया, कुलदीप ने किया, ठीक है, अगर ना होता तो क्या होता। ये एक कह लें कि दुनिया के लिए एक अलर्ट है कि अभिषेक शर्मा जैसा बंदा बचा। ये कहते हैं जब आंधी तूफान हद से आगे बढ़ जाता है तो ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में बिना मौसम खराब हुए ऑरेंज अलर्ट आया था, और ये ऑरेंज अलर्ट था एसआरएच की मार का। भाई साहब क्या मार मारी है, मतलब एसआरएच ने दिल्ली कैपिटल के सामने 266 रन ठोक दिए। हालांकि शुरुआत जैसे हुई थी लगा था 350-450 बन सकते हैं, लेकिन फिर कुलदीप ने 4 विकेट निकाले, मैच फंसा, लेकिन उसके बावजूद 266 दिख रहे हैं, जो शायद कई लोगों कम लग रहे हैं, लेकिन ये कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एसआरएच ने पैमाना बड़ा कर दिया। आरसीबी के सामने 287 रन, एमआई के सामने 277 एंड अब डीसी के सामने 266। सनराइजर्स हैदराबाद वो पहली टीम बन गई है आईपीएल में जिसने 3 बार एक सीजन में 250+ का स्कोर बनाया है, और इकलौती टीम है जिसने 3 बार ये कारनामा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल में लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड अलर्ट सीजन है, क्योंकि हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड एसआरएच, सेकेंड हाईएस्ट टोटल एसआरएच, बेस्ट पावर प्ले स्कोर एसआरएच, फास्टेस्ट 100 एसआरएच, फास्टेस्ट 150 रन एसआरएच, सेकेंड फास्टेस्ट 200 रन एसआरएच, फास्टेस्ट 250 रन एसआरएच, 3 बार 250+ एक सीजन में एसआरएच। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ये इस आईपीएल ने बने हैं, पैट कमिंस की कप्तानी बने हैं, और ये सिंपली अनबिलीवेबल है, मतलब ये रिकॉर्ड आप यकीन नहीं कर सकते। अभिषेक शर्मा 500 इंटरनेशनल मैच नहीं खेल चुका हुआ, अभिषेक शर्मा भी भाई बचे ही है, अभिषेक शर्मा ने अभी इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल खेलना है। एक लोकल लड़का जिसको इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस हासिल नहीं है, वो मेन बॉलर इंटरनेशनल बॉलर को कुटरा पकड़ के 12 बालों पे अगले ने 46 मारा है, और ये सिर्फ इस इनिंग्स में नहीं मारा, उसकी हर इनिंग्स में उसने फास्टेस्ट 50 भी स्कोर कर रखा है। भाई बजा देते पकड़ के वो घंटा मेरे घंटे के किंग, अब निकलो ना मेरे पीएसएल के फुदड़ फैंस बाहर। लेकिन कुलदीप यादव ने 4 विकेट तो ली, लेकिन इकोनॉमी रेट में थोड़ा सा मार्क आ गए, रन 55 हो गए, लेकिन विकेट मस्त ली है। सनराइज हैदराबाद वाले जिस तरीके से खेल रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड बना के खुद ही तोड़े जा रहे हैं भाई। 266 बहुत बड़ा टारगेट है, और भाई मार्करन और क्लासन तो आज छला ही नहीं। आज आप देखिए कि क्लासन के 8 पे 15 रन बने, अगर क्लासन छल जाते आज तो सोचिए कि क्या तूफान बरपा हो जाता। लेकिन शहबाज अहमद ने भी लास्ट में जाके हाफ सेंचुरी बना के दोस्तों दिल्ली कैपिटल
अब क्या इस टारगेट को चेस कर पाएगी? अगर दिल्ली कैपिटल इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई तो वो अपने पुराने लेवल पे आ जाएगी और सनराइज हैदराबाद वाले और ज्यादा काफी आगे बढ़ जाएंगे। भाई आज तो थोड़ा मुनाफा हो गया भाई क्या करें भाई, कोशिश कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई तो करनी पड़ेगी यार बस यार आज का मैच जो है वो सनराइज हैदराबाद को ही जीतना है किसी भी हालत में। लेकिन एनीवे दोस्तों, हेड ने बहुत जबरदस्त स्टार्टिंग दी है भाई, ब्रिलियंट बैटिंग भाई हेड की तरफ से, फुल फॉर्म में है। सनराइज हैदराबाद वालों के जितने भी बैट्समैन हैं सारे प्लेयर उनके बड़े फॉर्म में हैं दोस्तों। उनका हर एक मैच देखिए कि बैटिंग लाइनअप जो है टाटा आईपीएल 2024 दोस्तों, सनराइज हैदराबाद वालों की बैटिंग लाइनअप ना एकदम फायर है फायर। अब देखते हैं कि भाई ऋषभ पंत लोग क्या करते हैं, क्या इस टारगेट को चेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी पूरा जोर लगाएंगे इस टारगेट को चेस करने में। लेकिन यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज का मैच सनराइज हैदराबाद वालों के लिए है ये मैच, और इतने छक्के अगर दिल्ली कैपिटल भी लगा लेती है तो हो सकता है कि रन चेस हो जाए। लेकिन मेरे से पूछो तो भाई आज का मैच सनराइज हैदराबाद के नाम ही है और सनराइज हैदराबाद ही जीतेगी। एनीवे भाई, हम दिल्ली कैपिटल को इस वजह से नहीं बोल रहे कि वो हारेगी या हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, इधर कुछ और मसला है, वो आप लोगों को नहीं पता भाई, अंदर का मामला है और भाई इस साल का आईपीएल ना कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। आप लोग भी इतने सालों से आईपीएल देखते आ रहे हो लेकिन इस साल आप लोगों को कुछ अलग सिस्टम दिख रहा है, आईपीएल का कुछ गड़बड़ दिख रहा है। वो टीमें आगे बढ़ रही है, कौन टीम किसको हरा रही है, कौन किधर जीत रहा है, किधर हार रहा है भाई किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन एनीवे दोस्तों, आज का मैच तो 100% सनराइज हैदराबाद वालों को जीतना ही चाहिए और दिल्ली कैपिटल वालों जो है वो पूरी कोशिश करेंगे इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने फेंटा मारा था भाई गुजरात टाइटंस को। अब वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी फेंटा मारे भाई सनराइज हैदराबाद वालों को। लेकिन टारगेट देखकर दोस्तों कुछ ऐसा लगता है कि यार चेस नहीं हो पाएगा। एनीवे दोस्तों, आप लोग अपना प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का मैच दिल्ली कैपिटल जीतेगी या सनराइज हैदराबाद। मेरी तरफ से तो सनराइज हैदराबाद दोस्तों ये मैच एडवांस में भाई जीत चुकी है, क्योंकि भाई छोड़ो यार नहीं बोलूंगा, फिर कुछ बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि सूजी है सूजी है। एनीवे कल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है यार वो तो भाई सबको ही पता है कल दो मैच है, पहला मैच कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन सेकेंड मैच गुजरात टाइटन्स का है यार, क्या ही करूं, कल का दिन समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। टू गुड आईपीएल देख रही है आपको, मैं दिल की मरीज नहीं लग रही मेरा सांस ऊपर नीचे हो रहा है, टू मच यार, ऐसे है थ्रिलिंग मैचेस और आज का मैच तो पूछो ही ना, पूछो ही ना। सनराइजर्स ने तो रेगुलर बना लिया कि हमने 250 प्लस तो करना ही है, उससे ऊपर कितना करना है ये हमने टीम मीटिंग के अंदर बैठ के सोचना है। हाँ ना, मतलब वो क्या नाम है उसकी, ऑनर का, नाचती फिर रही है, गाती फिर रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिसको कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर से भी ऊपर की परफॉर्मेंस, मतलब टू गुड परफॉर्मेंस की है यार, मतलब 250 का टारगेट लहू को लग गया इनके मुंह को, इनको ये कहते हैं कि भाई बस आज 250 करना है, 250 नॉर्मल है, थोड़ा ऊपर चलते, थोड़ा और ऊपर चलते यार, रिकॉर्ड बनाए बड़ा टाइम हो गया, आज रिकॉर्ड तोड़ देते हैं इन लोगों ने, ये रिकॉर्ड बनाने कि हमने 250 प्लस ही किया है पूरे आईपीएल में, ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कोई भूले ही ना, पूरी दुनिया के अंदर छा गए हैं। दिल्ली कैपिटल जो है वो तो शुक्रिया अदा करे कुलदीप यादव का, जिस तरह एसआरएच ने स्टार्ट किया था, जी मैंने 300 का टारगेट पहुंचा बना था 266 पे यार, मतलब वो कहते हैं ना मत्था टेको जाके कुलदीप यादव को कि यार तुम लोगों को उन्होंने उसने बचा लिया, चार आउट कर दिए। आप सोच के देखें, एक लड़का जो 23 साल का है उसने 12 बॉल्स खेली, 12 नहीं 11 बॉल्स खेली, 12वीं पे आउट हो गया, कुलदीप ने किया ठीक है, अगर ना होता, अगर ना होता तो क्या होता, लाइक उसने 11 बॉल्स खेली है जिसमें से उसकी कितनी बाउंड्रीज है, 8, 2 चौके 6 छक्के, आज रिकॉर्ड टूटने थे और ऐसे टूटने थे कि कमरे टूट जानी थी लोगों की। यकीन करें एक साल पहले यशस्वी जायसवाल नामी लड़के ने 13 बॉल्स पर 50 की थी, फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री 2023 ठीक है, और आज वो रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला था 12 बॉल्स पे
हमें नजर आनी थी 50, बट और साथ ही साथ किसका रिकॉर्ड तोड़ना था, युवराज सिंह का। और आज जो है वो तो कहते हैं ना, लेजेंड्स की इज्जत बचा ली है कुलदीप यादव ने, कुलदीप यादव को जाके हार पहनाने चाहिए इनको। तो मैं कहना चाहूंगी व्हाट अ टैलेंट, इसको वर्ल्ड कप में ले आए तो वर्ल्ड कप खत्म है। एंड पे शहबाज अहमद की आज हमें इंटरव्यू देखने को मिली, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, 29 पे 59 करके गए। इतना अच्छा जो टारगेट सेट किया उसके अंदर उनका भी हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने नॉट आउट गए हैं 29 बॉल्स पे 59, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, 29 इयर्स ओल्ड इंडियन प्लेयर, वाओ। मतलब यार ये इंडिया वाले क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, कितना टैलेंट दिखाएंगे, ये नाइंसाफी है लिटरली। नहीं, इंडिया वालों के प्लेयर्स के साथ कितने प्लेयर्स को जो है इन लोगों को चाहिए आपस में गेम, आपस में प्लेयर्स बनाए, आपस में हार जीत खेलते रहे, बाहर तो कोई मसला ही नहीं है, बाहर ये लोग जीतने नहीं देते, किसी को नहीं जीतने देते, किसको जीतने देते। इन्होंने आज तक साउथ अफ्रीका को जीतने दिया, इन्होंने इंग्लैंड को जीतने दिया, पायोनियर्स को जीतने दिया, टेस्ट में नहीं जीते, बैस बॉल जैस बॉल होगी थी, सुना तो है आपने। मैं क्या कहानी आपको पिछली सुनाऊं, आईपीएल की बात कर ले भाई, आईपीएल के अंदर जो परफॉर्म करा एटीएन, जो परफॉर्म सिवाय ये एक ये ट्रेविस हेड के अलावा, मुझे बंदा ढूंढ के दिखाया जिसने परफॉर्म किया है जो इंडियन नहीं। पैट कमिंस की अगर बात करें तो जिस तरह कप्तानी करे, आपको क्या लगता है कि फाइनल लेके जा रहे हैं या फाइनल तक जा रहे हैं? जीतते नजर आ रहे हैं कसम से मुझे कसम से, अगर इफ अगर ये होगा कि ये लोग मैच करेंगे उसके साथ एमएस धोनी के साथ, फिर नहीं है चांस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बाकी ये संजू वगैरह ये वगैरह होंगे, कोई चांस ही नहीं है, इसने आईपीएल भी ले जाना है, इस बंदे को चुप कराना आता है। 24 एसआरएच ट्रेविस हेड, सेकंड मोस्ट रन्स इन पावर प्ले ट्रेविस हेड, फास्टेस्ट 100 फॉर एसआरएच ट्रेविस हेड, 350 इनसाइड पावर प्ले इन दिस आईपीएल ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड की ये सारी पारियां उन्हें अनरियल बनाती है। एक जमाने में चलता था ना कि यार रिकी पोंटिंग का बल्ला चेक करो, अब कहा जा रहा भाई ट्रेविस हेड का बल्ला चेक कर लो यार, 324 रन, मतलब 54 का एवरेज, 216 स्ट्राइक रेट, कमाल यार। ऐसे ही कमाल अभिषेक भी कर रहे, 257 रन बनाए उन्होंने 36 के एवरेज से और 215 का स्ट्राइक रेट, और दोनों ने मिलाकर 581 रन बनाए हैं 215 के स्ट्राइक रेट से, यानी दोनों प्लेयर जो है वो अनबिलीवेबल है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है, और कोई भी टीम का कोई भी ओपनर ये रिकॉर्ड तोड़े तो माने दम यार, 581 रन 215 के स्ट्राइक रेट से दोनों ओपनर के, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेंजरस ओपनिंग पेयर आईपीएल 2024 में, कोई नहीं है दूर दूर तक। 23 साल के अभिषेक शर्मा इस सीजन में कमाल कर रहे हैं, 7 मैच में 257 रन, 36 का एवरेज, 215 का स्ट्राइक रेट, बड़ी बात यह कि 24 छक्के मारे हैं और 18 चौके मारे हैं, और आप कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बहुत सेफ है। ऐसे ही ट्रेविस हेड की आप बात करेंगे तो 24 पर 62, 14 पर 19, 24 पर 31, 15 पर 21, 41 पर 102 और अब 32 पर 89, आई मीन दैट्स इनसेन, ट्रेविस हेड इज क्रेजी और ही इज अनमैचेबल, कोई मैच नहीं उनका। अभिषेक शर्मा इस आईपीएल में कमाल रहे हैं, 19 पर 32, 23 पर 63, 20 पर 29, 12 पर 37 और अब 12 पर 46, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते वो रह गए, बिल्कुल इतने करीब थे, और अगर वो चौका लग जाता जिस पर आउट हुए वो, तो शायद यशस्वी जायसवाल का 13 बॉल पे 50 का रिकॉर्ड जो है वो भी टूट जाता, युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी हो जाती। लेकिन एसआरएच ने इतिहास रचने की मान लो कसम खा ली है, एसआरएच रजिस्टर्ड देयर हाईएस्ट टोटल इन आईपीएल हिस्ट्री आफ्टर 10 ओवर, 10 ओवर के बाद सर्वाधिक रन, और जिस वक्त ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे उस वक्त स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड स्कोर जो था वो 348 था, आई मीन दैट वॉज इनसेन। एसआरएच ने 125 रन पावर प्ले बनाए जो सेकेंड हाईएस्ट पावर प्ले है T20 के टोटल के हिसाब से, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। आरसीबी के सामने 22 छक्के मारे थे, यहां पर भी इन्होंने 22 छक्के मारे और सबसे छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो भी अपने नाम इन्होंने कर लिया। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस, मतलब कुल मिलाकर ये टीम जो है ये जुनून इंतहा पार कर रही है, इस तरह से पिटाई नहीं होती है। हालांकि पिटाई शहबाज अहमद ने भी की, 29 बॉलों पर 59 रन, 203 का स्ट्राइक रेट था, और खास बात यह थी कि 4 विकेट गिरने के बाद इन्होंने मारा था। कई लोगों ने कहा कि यार ये कैसे मार रहे, फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि भैया आरसीबी छोड़ दिया था ना इनको, तो जो आरसीबी छोड़ देता है वो धुनाई करता है। शहबाज अहमद ने 29 बॉलों पर 59 रन बनाए, ट्रेविस ने 32 बॉलों पर 89 बनाए और अभिषेक शर्मा ने 12 बॉल पर 46 बनाए, और यही वजह है कि एसआरएच तीसरी बार 250 के पार गया, 266 रन बना गया। हालांकि सारे रिकॉर्ड नहीं टूटे हैं, अभी भी इस आईपीएल में वो रिकॉर्ड नहीं टूटा जो क्रिस गेल ने बनाया था फास्टेस्ट 100 का 30 बॉलों पर, और रैना के नाम अभी भी पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन है, तो ये दो रिकॉर्ड बड़े बचे हैं, और 200 का रिकॉर्ड भी नहीं टूटा जो आरसीबी ने बनाया था, तो ये तीन रिकॉर्ड अभी भी एसआरएच के टोकने बाकी हैं।
इस मैच में दिल्ली के लिए सिर्फ कुलदीप और अक्सर थोड़ा बहुत बचाने वाले थे। कुलदीप ने आज बड़े विकेट निकाले, ट्रेविस हेड का विकेट, अभिषेक शर्मा का विकेट, माकरम का विकेट और नीतीश रेड्डी का विकेट, 4 ओवर 55 रन। आई थिंक ये 55 से ज़्यादा वो 4 विकेट अगर ना लिए होते तो 300 सवा 300 कहीं नहीं गया था। अक्सर पटेल तूफान के बाद आए थे, इस वजह से थोड़े से बच गए, लेकिन क्या कमाल का बॉलिंग फिगर, 4 ओवर 29 रन। SRH 15 ओवर में 205 था, लेकिन कुलदीप और अक्सर पटेल जो है इनकी गेंदबाजी की वजह से वो धीरे 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 थोड़ा कम हो गए और मामला जो है थोड़ा सेटल्ड हो गया। लेकिन कुल मिलाकर कहानी कि SRH इस साल खेलने नहीं आई है, इस साल सामने वाली टीम को जलील करने आई है, मतलब दिखाने आई है कि T20 क्रिकेट में टेम्पो होता कैसे। बीते सालों तक उनकी टीम कागज में परफॉर्म करती थी, इस साल जमीन पर उतर कर सारी टीमों के सामने अपना डोमिनेंस दिखा रही है और सारी टीमों में खौफ पैदा कर रही, क्रिकेट होता कैसे, T20 खेला कैसे जाता। आई मीन इनसेन क्रिकेट यार, हैट्स ऑफ SRH के दिल्ली में जो ये रिकॉर्ड एलर्ट ऑरेंज आंधी आई थी, टू गुड। रेगुलर स्कोर जो है वो 250 प्लस करना शुरू कर दिया, मतलब RCB MI जैसी टीम को उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है, आज दिल्ली कैपिटल को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि डेली बेसिस पे प्रोटीन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग एंड मिल्क और एप्पल, मुझे लग रहा है वो भी यही समझ रहे हैं कि भाई डेली बेसिस पे हमारे लिए 200 रन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने IPL का जो स्टैंडर्ड है बड़ा हाई कर दिया है, और जिस तरह से कह लिए पहले 277 फिर 287 अब 266, भाई आते हैं अपना रिकॉर्ड बनाते हैं तोड़ देते हैं, आते हैं अपना रिकॉर्ड बनाते हैं तोड़ देते हैं। तो मतलब आज सनराइज कह रहे हैं कि भाई ट्रॉफी भी मेरी है, पैट कमिंस के पास बोलने की देर है, वो बंदा जो भी बोलता है वो हो जाता है यार। दिल्ली कैपिटल जो है वो शुक्रिया अदा करे कुलदीप यादव का, क्योंकि SRH ने जिस तरह से स्टार्ट लिया था 300 प्लस था, शुक्रिया नहीं इसके पाउंड हो दोगे पीएम भैया, आज आप हमें 300 रन से बचा ले, वरना हमारी नाक शेम शेम हमारी हो जानी थी, बिकॉज बाकी किस टीम के ऊपर अभी तक कह ले कि 300 का भंडारा नहीं खुला था, और आज अगर दिल्ली कैपिटल पे खुल जाता तो पानी पानी हो जाना थी हर एक चीज वहां पर। तो कुलदीप यादव को क्रेडिट जाता है कि आज फाइफर उनका नहीं हुआ, होना चाहिए था, बट सनराइज में यार कमाल है, अभिषेक शर्मा की अब बात कर ले, और उसके बाद दूसरे उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, शहबाज अहमद, उन्होंने 59 के 29 बॉल्स, उन्होंने 12 बॉल्स पर कह लें कि इतना अच्छा स्कोर कर लिया, 49 कर गए, मतलब कमाल है भाई, कहाँ से लेकर आते हैं ऐसे यंगस्टर्स जो हर किसी को पहली जा रहे हैं पहली जा रहे हैं पहली जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा जो है आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप के लिए एक बेटर चॉइस फॉर इंडिया हो सकते हैं? उनके पास बहुत बैट्समैन है, बहुत बैट्समैन है, वो खुद परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने किसको रखना है किसको नहीं रखना है किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो अब वो तो खुद नहीं रख रहे तो हमारे पास भेज दो, हाँ मैं एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हैदराबाद ने भाई कसम ही खा ली है, कसम ही खा ली है कि हमने छोटा स्कोर देना ही नहीं है, हर मैच में 260, पहला मैच देखा 277, दूसरा मैं देखा 287, तीसरा मैं देखा 267, और भाई क्या हो गया 10-10 के वक्फे में ऊपर नीचे हो जा रहे हो, पैट को मेरे साहब पता नहीं मरा कुत्ता खाया है, उसने कहा जी इंडियन कैप्टन जो मर्जी हो, मैं अपनी कैप्टनसी बनवानी है चैंपियन टूर 2023 का, तो मैं बताऊंगा कि चैंपियन एवं नहीं बना, लेकिन नो डाउट उसकी कैप्टनसी वाकई मस्त नजर आ रही है, जो बात कर रहा है वो करके दिखा रहा है, उसने कहा जी मैंने अपनी टीम से कहना है जी कि भाई IPL का हाइस्ट स्कोर दें, नजर आया है, नजर आया, 3 दफा रिकॉर्ड नजर आए हैं, 267 भी छोटा रिकॉर्ड नहीं है T20 में, 277 उससे बड़ा, 287 उससे बड़ा, आज जैसे बैटिंग नजर आ रही थी ट्रेविस हेड की और अभिषेक शर्मा की, यहाँ ओपनिंग गोल से वो चल पड़ती, यहाँ पे क्लासन या मार्कर में खड़ा था, मैं कहता हूँ 300 प्लस स्कोर था। मैं कह रहा हूँ मतलब दिल्ली कैपिटल शुक्रिया अदा करे कुलदीप यादव का कि वो चल गया और ये 300 रुक गए। दिल्ली कैपिटल में से एक कुलदीप ने 4 विकेट लिया, उसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई बॉलर इतना ऐसा कामयाब नजर नहीं आया, मुकेश कुमार एंड भी आगे विकेट निकाल गया, अच्छा ओवर डाल गया, लेकिन जो ने किया खास जुड़े हमें। अभिषेक शर्मा मतलब आज जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ते रह गए, मतलब एक बॉल अगर और जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़े ना तोड़े, लेकिन जो आज वो अपनी इनिंग्स दिखा गए हैं 12/49, यानी कि एक बॉल होड़ और फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ हाफ सेंचुरी ऑफ द IPL, मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड कम नहीं है, और अभी भी ये एक कह लें कि दुनिया के लिए एक अलर्ट है कि अभिषेक शर्मा जैसा बंदा बच्चा खड़ा है, और मेरे ख्याल में शर्मा खानदान के जितने भी लड़के आते हैं वो ऐसे ही हैं, मुझे तो अभिषेक शर्मा कम और लेफ्ट हैंड रोहित शर्मा ज्यादा लगता है, जो एग्रेशन उसका एज ओपनर है, ऐसे ही रोहित शर्मा का एज ओपनर एग्रेशन है, ऐसे ही अभिषेक शर्मा का। मेहमान नवाजी के लिए हमेशा आगे रहते, तुम लोग मेहमान हो यार, हैदराबाद वाले दिल्ली में आए, हम लोग ऐसे थोड़ी ना तुमको हरा देंगे, दिल्ली की टीम है एकदम ऐसे मस्त मौला खेलती, इतनी कोई टेंशन लेती नहीं, पर हैदराबाद क्या खेल रहे हो भैया तुम लोग, एक तो यार तुम्हारा खेलने का तरीका ना बहुत इंप्रेसिव है, सच बता रहे ऐसा लग रहा है दिल में जगह बना के लौटोगे, क्या मारा मतलब माही, समझ रहे हो ना, एकदम लेवल उठा रखा है तुमने यार IPL का अपना क्लास, एक तो तुम्हारे पास क्लासन है ही, ऊपर से जो तुमने क्लास उठा रखा है ना हैदराबाद वालों,
एकदम दिल से एज अ दिल्ली वाले दुखी होना चाहिए, पर हम कह रहे हैं वाह बहुत खूब उम्दा, मतलब दिल जीत लिया तुम लोगों ने। अगर हमारे पास विरासत होती तो एक एक प्लेयर के नाम सारी जमीनें लिख देते। क्या खेल लाया तुम्हारा ओपनर वो हेड और अभिषेक शर्मा। कौन कहता है लड़की में दिमाग नहीं होता? तुम लोग बोलते रहते हो लड़कियों में उमेन और वो कप वाला मीम वीम, सब बकवास है भाई, हटा दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उमेन ने ऐसा टीम सेलेक्ट किया है कि सबका रेल बना रखा है। पहले मुंबई इंडियंस, फिर आरसीबी को पेली और आप दिल्ली को, इतना पेली दिल्ली को दिल्ली में कि दिल्ली वाले कह रहे होंगे कि भैया किन से मैच करवा रहे हो, ये कोई लेवल है? हैदराबाद का मैच कहीं और करवाओ, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़वाओ, वहां भी धोखे आ जाएगी। खैर ऑस्ट्रेलिया में तो यार हेड ही खेलता है, हम भी क्या यार थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं। पर आज जो क्रिकेट खेली है हैदराबाद की टीम, मजा बांध दिया एकदम, आग लगा दी एकदम, लेवल लेवल अप था तुम्हारा, और तुमने बनाए सारे रिकॉर्ड्स। मतलब अगर रिकॉर्ड गिनवाने पे गए तो भाई पूरी रात बैठ जाएगा एकदम। ये चश्मा भी तुम्हारे लिए ही लाए कि हम भाई हैदराबाद का रिव्यू करने गए हैं, जो उसका खेलने का स्टाइल एकदम घमासान, तो थोड़ा बजट को भी अपग्रेड कर देते हैं, पैसा फूंक देते हैं यार, क्या करेंगे, पैसा ले जाएंगे क्या ऊपर, लगा दिया हमने चश्मा पे। पर एक बात है गुरु, 150 का चश्मा 1.5 करोड़ का कॉन्फिडेंस दे रहा है, एकदम अलग ही लेवल में, मतलब मजा आ रहा है एकदम, और समझ रहे हो ना। खैर चश्मे पे बाद में आएंगे, पहले मैच पे आ जाते हैं। रिकॉर्ड बना, 5 ओवर में शतक ठोक दिया भाई, 100 रन बना दिया हैदराबाद वालों ने, मारा जो आया उसको मारा, जैसे मर्जी वैसे धोया। 6 ओवर में मतलब पावर प्ले का ये हाईएस्ट रन बना दिए इन्होंने, और बनाएंगे नहीं भैया, खेल कैसे रहे हैं ये, सामने वाले प्लेयर को तो ऐसा धुआं उठा रखा है कि प्लेयर ही नहीं मान रहे, जो आया उसको मारा है। मतलब पावर प्ले में ही 6 बॉलर इस्तेमाल हो गए थे, खलील अहमद, ललित यादव, नोकिया, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल पावर प्ले के बाद आए थे हमें पता है, थोड़ा सा ऐसे मत बोलो कि तुम साले कमेंट करने लगते हो कि हाईलाइट देख के आ गया है, हाईलाइट भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, उससे पहले हम लाइव में आ गए ना, तो पूरा एक एक मैच देखे, एक एक बॉल देखे। हाँ हमारी बाबू भी फोन करके बुला रही थी कि तुम मिलते उलते नहीं हो, किसी और के पास चले जाएंगे। हमने कहा जाओ, पहली मोहब्बत हमारा क्रिकेट, क्रिकेट के आगे हमें कुछ नहीं दिखता है, तो इसलिए टाटा बाय बाय गुड बाय। ऐसे भी लड़की लोगों का भरोसा नहीं होता है ना भाई, ज्यादा दिल लगाएंगे करियर भी जाएगा उधर भी जाएगी। चलो मैच पे आ जाते हैं, बार बार भटक जा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद ने कुछ ऐसा ही खेला है कि भटका दिया है सबको, और बोल दिया है कि भैया खेल रहे हो तो बाकी टीमों से कंपटीशन करो, हमारा कोई लेवल नहीं है, लेवल ना मिलावे हम तो से ऊपर है भाई, ऐसा वाला सिस्टम कर दिया एकदम कैड़ा कर दिया है भाई। और 6 ओवर में इन्होंने बना दिए रन 125, मतलब इतना मारा, इतना पेला, MIRCB से ज्यादा पेला, मतलब धागे खोल दिए, कहते ना तेल लगा के बजा देना, दिल्ली के बॉलर को बजा दिया, और हम साला छोड़ रहे थे दिल्ली वाले कि दिल्ली की बॉलिंग ऐसी है, फाड़ देगी, लगा देगी, भूल गए थे क्या? हम लोग भूल जाते, थोड़े हवाबाजी में आ जाते, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है, हम लोग ऐसे ही 20 की बात हो, अगर कोई सामान 20 का है तो हम 20 करोड़ की बातें करेंगे, चाहे 20,000 की जॉब हो। तो भाई हाईएस्ट पावर प्ले रन बना दिया 125, ऐसा मारे थे ये छक्के चौके, मतलब ये समझ लो कि 23 हेड ने 16 बॉल पे 50 मार दिया, 16 बॉल पे बंदा 50 मार देता है, ये क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट खेलेंगे, बॉलर कहां जाएंगे भाई, कौन बॉलर बनना चाहेगा, कोई नहीं भाई बॉलर। यार तुम देख रहे हो, दया आ रही है उन लोगों पे, बॉलरों को देख के ऐसा लगता है यार तुम लोगों को क्या होगा, सलाह जो आ रहा है कूट के जा रहा, कोई भी मार के जा रहा है यार। और देखो पहले 6 ओवर में जो रन बने हो, देखो पहला ओवर में 19 रन बन गया, दूसरे में 21 बन गया, तीसरे में 20 बन गए, 21 22 22, ये पावर प्ले का स्कोर है, मतलब 20 तो एवरेज रन बन रहे हैं इनके, 20 रन कुछ होते नहीं है क्या भैया, 6 बॉल पे 5 चौके मारोगे तब 20 रन पहुंचेंगे, और ये लोग ऐसे पेले हैं कि 20 रन बना दिए। हंसी आ रही है कभी कभी ना, एकदम लगता है कि क्रिकेट बहुत फनी गेम हो गया भाई,